हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग के प्रश्नावली 6.3 नई NCERT बुक के आधार पर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली का जो मेन टॉपिक है वो है उच्चतम तथा निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, उन टॉपिक्स को पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें सीखना है। और जो आपको ये नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो हमें उच्चतम और निम्नतम मान मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम मान मिलता है जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं को हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हम सीखेंगे क्रांतिक बिंदु, फिर हम सीखेंगे स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु। ठीक है, उसके बाद निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम बिंदु, ये क्या होते हैं अभी मैं आपको ग्राफ की मदद से भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर नति परिवर्तन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान क्या होते हैं, और निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान क्या होते हैं, यह मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ में। और इन चीज़ों को कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 मेथड है, एक तो है प्रथम अवकलज विधि और एक है द्वितीय अवकलज विधि। ठीक है, प्रथम अवकलज विधि हम तब लगाते हैं जब एक्स, ठीक है, क्रिटिकल बिंदु जो होते हैं ना, एक्स के मान 1 से अधिक हो। ठीक है, जब एक्स का मान 1 से अधिक हो तब हम लगाते हैं, तब बेस्ट रहते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास एक बिंदु है, सिर्फ एक्स का एक ही मान आया, तो द्वितीय अवकलज विधि बेस्ट होती है। ठीक है, और द्वितीय अवकलज विधि जहाँ फेल हो जाती है वहाँ हम प्रथम अवकलज विधि लगाते हैं। तो अगर सभी के लिए अगर हम बात करूँ, वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड आपका द्वितीय अवकलज विधि होता है, आसान पड़ता है। अगर द्वितीय अवकलज विधि जहाँ फेल होती है, कब फेल होती है वो भी आपको मैं बताऊँगा, अभी प्रथम अवकलज विधि क्या होती है वो भी सिखाऊंगा, द्वितीय अवकलज विधि क्या होती है वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, वैसे वैसे आप ज़्यादा सीखते जाओगे, वीडियो में जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना निखरता जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो ये दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं, एक चित्र मैंने आपकी आंखों के सामने ले लिया है, ये आप एक ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, ये वक्र है, मान लेते हैं ये वाई बराबर, ठीक है, ये वाई बराबर fx करके एक ग्राफ है, ये इधर हमारा एक्स अक्ष होता है और ऊपर हमारा क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानते ही जानते हैं। अब इस ग्राफ पेपर ग्राफ में आ जाओ, ठीक है, इस ग्राफ में आ जाओ, आपको ये कर्व्स दिख रहे होंगे ऊपर नीचे, ऊपर का कर्व है और एक नीचे का कर्व है, ऊपर मतलब उच्चतम की बात होगी और नीचे मतलब निम्नतम की बात होगी। ठीक है, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, टेंशन मत लो। अगर ऊपर देखें, सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहाँ दिख रहा है, ये सबसे ऊपर वाला पहाड़ का हिस्सा ही दिख रहा है, चोटी, ये चोटी है। तो ये चोटी, ये जो पीक मान है, यहाँ पर मिलेगा मुझे पीक मान, इस बिंदु पे मिलेगा, यहाँ पे जो बिंदु होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये, क्योंकि ये उच्चिष्ट मान है तो ये भी थोड़ा ऊंचा है, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा कम है। ठीक है, ये चोटी यहाँ पर मिल रही है लेकिन इससे तो कम है ये। उसके साथ साथ जो डिप वाला पॉइंट है, जहाँ पर नीचे जा रहा है, देखो ये सबसे नीचे जा रहा है, देखो नहीं, ये थोड़ा कम नीचे जा रहा है, ये सबसे नीचे जा रहा है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो देखो, ये नीचे वाले पॉइंट है हमारे निम्नतम की अगर हम बात करें, है ना, ये निम्नतम मान है। अब मैंने बिंदु नहीं बोला है तो बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ पर, बिंदु का नाम यहाँ मैंने बोल दिया A1, A2, इस बिंदु को बोल दिया A3, इसको बोल दिया A4, इस वाले को बोल दिया A5। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बिंदु, आपको पता है इस A2 बिंदु पर सबसे बड़ा उभार मुझे दिख रहा है ऊपर की ओर, तो ये जो A2 है, ठीक है, अगर इस A2 को मैं नाम दे दूँ, ये A2 मेरा क्या है, सबसे ऊपर मिल रहा है ना आपको, ये जो A2 है हमारा, ये A2 आपका हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, उच्चतम। ठीक है, निरपेक्ष, सबसे बड़े वाले पार्ट को ना निरपेक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट, निरपेक्ष बिंदु है, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु, ग्राफ में समझ लो पहले। ठीक है, और उसके बाद
ये यहाँ पर भी उच्चतम मिल रहा है, लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है। ये जो ए फोर बिंदु है, ठीक है, ये जो ए फोर बिंदु यहाँ पर है हमारा, ये ए फोर बिंदु हमारा क्या है? ए फोर बिंदु हमारा स्थाई उच्चतम बिंदु है, निरपेक्ष नहीं है, ऊंचा है लेकिन सबसे बड़ा ऊंचा नहीं है, इससे भी बड़ा यह है ए टू बिंदु पर, है ना। तो ए फोर हमारा क्या? स्थाई उच्चतम है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखें। अब देखिए ए थ्री पर सबसे ज्यादा हमें डिप मिला है, तो ये ए थ्री बिंदु हमारा क्या होगा? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। आप कहोगे सर अभी तो आप सिर्फ बिंदु बता रहे हो, मान कहाँ है इनके, वो भी आपको पता चलेगा। ये निरपेक्ष निम्नतम बिंदु है, और ये जो डिप नीचे मुझे ए फाइव बिंदु में मिल रहा है, ए वन बिंदु में मिल रहा है, ये जो ए फाइव है ये क्या है? मेरा स्थाई निम्नतम है, स्थाई निम्नतम बिंदु है। अभी तक हमने बिंदु की बातें की है। ये जो ए वन है ये भी मेरा क्या है? स्थाई, नीचे जा रहा है ना, निम्नतम बिंदु है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब हम बात करेंगे स्थाई और निरपेक्ष उच्चतम मान की, ठीक है, स्थाई उच्चतम मान की। अब ये जो मान है, देखो यहां पे आ जाओ, ये ए टू है ना, ए टू के इसके समक्ष हम समांतर रेखा खींचेंगे। यहां पर यहां देखो, इसके समांतर यहां खींच दिया, ठीक है, वाई एक्स पर। तो यहां पर ये जो फंक्शन है ए टू आएगा, यहां पर इस बिंदु पे जो फंक्शन का मान रखते हैं, तो जो हमें मान मिलता है, ये जो एफ ए टू हमने लिखा यहां पर, एफ ए टू, ये एफ ए टू क्या होगा? मेरा निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। बस मान लिख देना है, उच्चतम मान, समझ गए आप। उसके बाद अगर और बात करें, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये सबसे ज़्यादा डिप मुझे यहाँ मिला है ना, तो इसके समांतर मुझे यहाँ लाना है, इस बिंदु पर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एफ ए थ्री मिलेगा। ये जो एफ ए थ्री है ये मेरा क्या होगा? ये जो एफ ए थ्री है मेरा क्या होगा? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु था, तो ये बिंदु पे क्या मिल जाएगा? निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान यहाँ मिलेगा। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है, यहाँ पर आ जाओ, जैसे ये ए वन पर है, ठीक है, ए वन पर यहाँ आ जाओ, इसके समांतर यहाँ खींचेंगे, ये एफ ए वन, ये जो बिंदु आएगी, ये बिंदु मेरी क्या होगी? एफ ए वन होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ लिखूँगा तो घोच पोच हो जाएगा। एफ ए वन मेरा क्या होगा? स्थाई निम्नतम बिंदु था, तो एफ ए वन हमारा हो जाएगा स्थाई निम्नतम मान। ठीक है, फंक्शन पे जैसे बिंदु रखते हैं और हल करने पे हमें जो मिलता है उसे मान कहते हैं, स्थाई निम्नतम मान। ठीक है, ऐसे हम ए फोर पे चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये ए फोर है, इसके समांतर यहाँ ले लो, ठीक है, यहाँ खींचेंगे, देखो उससे इसके समांतर ये, ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये जो पॉइंट है ये मेरा एफ ए फोर है। ठीक है, तो हमारा एफ ए फोर क्या आ जाएगा? एफ ए फोर क्या होगा हमारा? ये क्या था? ए फोर हमारा क्या था? स्थाई उच्चतम बिंदु। ठीक है, तो ए फोर क्या हो जाएगा? स्थाई उच्चतम मान। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ की मदद से कि भैया स्थाई निम्नतम क्या होता है, ठीक है, निरपेक्ष निम्नतम क्या होता है, मान क्या होता है, बिंदु क्या होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, भली भांति। अब हम आते हैं स्थाई उच्चतम और स्थाई निम्नतम के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो भाइयों, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। ठीक है, अब हम आते हैं स्थाई उच्चतम। देखो, उच्चतम का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा होता है ये स्थाई उच्चतम का एक नॉर्मल सा मैंने ग्राफ लिया। ठीक है, अब उच्चतम मान मुझे इस पीक वाले पॉइंट पे मिलेगा, मुझे है ना, इस पीक वाले पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा? इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दिया? सी वन दे दिया मान लेते। ठीक है, तो ये सी वन दे दिया, और इस बिंदु पर जाके मुझे मान मिलेगा, स्थाई उच्चतम मान मिलेगा इस बिंदु सी वन पर। ठीक है, इसका अगर मैं
टेंजेंट खींच के दिखाऊं, स्पर्श रेखा खींच के दिखाऊं, अगर यहाँ से टेंजेंट खींचूं या ऐसे टेंजेंट खींचूं, कैसे भी मैं टेंजेंट खींचूं इस तरफ से, ठीक है, अगर ये टेंजेंट खींचूं और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, अगर इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये जो यहाँ पे कोण बनेगा इसका मान हमेशा 90 से छोटा ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है आप बना के देखो, हमेशा 90 से छोटा ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इधर से टेंजेंट खींचूं, इस तरफ से टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। अगर इस तरफ से मैं टेंजेंट खींचूं तो हमेशा ये जो थीटा का मान आएगा इधर से, वो हमेशा 90 से बड़ा ही आएगा। अगर देखो प्रवणता क्या होती है, ये ढाल है ना, ढाल को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता क्या होती है, प्रवणता यानी कि डी वाई बट्टे डी एक्स यानी कि टेन थीटा। तो अगर थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तो आपको पता है कि टेन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, जीरो से छोटा आता है, ठीक है। अगर थीटा का मान 90 से छोटा है, जैसे कि टेन पैंतालीस का मान एक होता है, यानी कि जो टेन थीटा होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, है ना, पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा यानी कि डी वाई बटा डी एक्स यानी कि एक बार अप क्लच, एक बार जब आप अप क्लच करोगे एफ डैश एक्स होगा, ये मेरा क्या है, फंक्शन है ना, ये मेरा फंक्शन है। तो इस तरफ से अगर हम देखेंगे, टेंजेंट की हम बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे, प्रवणता की अगर बात करेंगे, तो एफ डैश एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। और इस पॉइंट पे आके, अगर इस पॉइंट पे हम ये जो बिंदु होता है ना, इस पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो नति परिवर्तन होता है, ना तो घट रहा होता है ना ही बढ़ रहा होता है, नति परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में ना एफ डैश एक्स का मान इस बिंदु पर जीरो होता है, लेकिन जैसे ही इधर से नीचे आओगे, इधर से आगे जाओगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। लेकिन जो पीक पॉइंट होता है, अगर उस पर से मैं टेंजेंट खींचूं, तो इन इसके आसपास के बगल के अगर बिंदु लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए एफ डैश एक्स को क्या बोला जाता है, जीरो, नति परिवर्तन। यहाँ पर आ जाओगे तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब इधर की कंपेरिजन करेंगे, जो स्लोप होगी, जो ढाल होगी, एफ डैश एक्स का मान हमेशा जीरो से छोटा होगा। तो आप एक चीज़ हमेशा गांठ बांध लो, ठीक है। अगर हम उच्चतम की बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है प्रश्नों में, कैसे, अगर किसी बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, बाएँ से दाएँ में जाते हैं हम हमेशा, ठीक है। अगर किसी बिंदु में बाएँ से दाएँ जाने पर मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है, तो उस बिंदु पे मान क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा, क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। तो यहां लिखेंगे, यदि बिंदु सी है ना, यहां पर कोई बिंदु हो सकता है प्रश्न में, सी वन पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है, तो उस बिंदु पर हमें उच्चतम मान मिलता है, उच्चतम मान मिलता है। एकदम आम भाषा में लिखा, कोई किताबी भाषा नहीं है। बन गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, समझने के लिए आपको आसानी पड़ेगी। इसके बाद आपको अभी स्थाई निम्नतम बताने के बाद जो प्रथम विधि है, जो द्वितीय अपक्लच विधि है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा और फिर प्रश्न करेंगे, फिर और मज़ा आएगा, ठीक है। स्थाई निम्नतम में डिक्टो इसका उल्टा होता है, ठीक है। स्थाई निम्नतम में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ऐसा डिप आएगा, ठीक है। सो डिप मिला हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे कम डिप दिख रहा है हमें, इस बिंदु का नाम मैंने C2 दे दिया, ठीक है। और इस बिंदु पर जाके सबसे हमें कम उभार मिलेगी, और यहाँ नति परिवर्तन होगा, और इसी बिंदु पर हमें एफ डैश एक्स का मान क्या मिल देगा, जीरो, ठीक है। अगर अब हम यहाँ से अगर टेंजेंट खींचें, प्रवणता खींचें, तो देखो क्या होगा,
इस तरफ से, या इधर टेंजेंट अगर खींचे बढ़ा दे रहे और इस तरफ से अगर टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा, ठीक है वो भी देख लो। जब इस तरफ से तुम टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है ये जो थीटा होगी इसका मान हमेशा 90 से बढ़ाएगा, और इधर जो कोण बनेगा इसमें हमेशा थीटा का जो मान होगा, ठीक है हमेशा थीटा का जो मान होगा वो 90 से कम होगा। अभी मैंने आपको बताया था जब थीटा का मान 90 से बड़ा होता है तो टेन थीटा का मान, ठीक है छोटा होता है, जीरो से नेगेटिव में आता है। अगर टेन थीटा का 90 से कम है और सॉरी थीटा का मान 90 से कम है तो जो हमारी प्रवणता ढाल होगी टेन थीटा उसका मान हमेशा पॉजिटिव में आता है, जीरो से बड़ा आता है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, टेन थीटा मतलब एक बार अफ क्लच डीवाई बटा डी एक्स, इधर हमारा एफ डैश एक्स क्या है छोटा है नेगेटिव है, और इधर हमारा एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है। अगर किसी बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान, ठीक है नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ये जीरो से छोटा मतलब माइनस में नेगेटिव, और इधर क्या है हमारा पॉजिटिव। अगर किसी बिंदु पर किसी एफ डैश एक्स का मान बाएं से दाएं जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है तो उस बिंदु पर हमें क्या मिलेगा, स्थाई निम्नतम मान मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रथम अवकलज विधि में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होगा, फलन आपको दिया होगा, फलन आपको दिया होगा, ठीक आपको क्या करना होगा उस फलन का अवकलज करना होगा, अवकलज करना होगा। ये पहला स्टेप है कि जो भी आपको फलन दिया होगा उसका आपको क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको क्रिटिकल बिंदु निकालना है, ठीक है ना। जो दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्रांतिक बिंदु निकालना है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक क्रांतिक बिंदु निकालना होगा। ठीक है क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखना होगा, ठीक है क्रांतिक बिंदु निकलेंगे जो हमें यहाँ से फिर क्या होगा स्टेप थ्री में एक्स के मान मिलेंगे, ठीक है एक्स के मान मिलेंगे, एक्स के मान कुछ भी मिल सकता है, ए बी सी कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो मान होंगे वो एक से ज़्यादा अगर आते हैं तो हम देखते हैं एक से अधिक हो। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट क्या था कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बिंदु पर जैसे x के मान निकालोगे, प्रथम अवकलज विधि में हम लगा सकते हो कि किसी बिंदु आपने x का एक मान निकाला, जैसे मान लो a बिंदु आ गया, अब इस a बिंदु पर आप क्या खींचोगे, नंबर लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव का इन्फिनिटी इधर माइनस का इन्फिनिटी, सपोज करो यहाँ x का मान 2 आ गया तो इधर 3 होगा, इधर एक होगा या फिर माइनस का एक ले लोगे। अगर एफ डैश एक्स का मान एक्स की जगह पर माइनस वन रखा आपने फंक्शन में और ये पॉजिटिव आ रहा है, और एक्स की जगह आपने फिर 3 रखा, 2 के माइन बाएँ वाला मान रखा आप, 2 के दाएँ वाला मान रख रहे हैं और इधर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कि अगर एफ डैश एक्स का मान किसी बिंदु पर बाई तरफ में पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो उस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम होता है, नेगेटिव में खत्म हो रहा है ना उच्चतम, अगर उस किसी बिंदु पर नेगेटिव से पॉजिटिव में खत्म हो रहा है यानी कि निम्नतम, देखो जिस पर खत्म होगा उसका उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव में खत्म हो रहा है उच्चतम, नेगेटिव से पॉजिटिव में खत्म हो रहा है तो क्या होगा निम्नतम, अगर इधर भी पॉजिटिव है
इधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ चिन्ह बदल ही नहीं रहा है, तो नति परिवर्तन, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो देखिए, हम जो प्रथम अवकलज विधि होती है उसमें क्या होता है, x के अगर एक से ज़्यादा मान है तो बेस्ट होता है इस विधि का प्रयोग करना। क्या होता है, अब आपके ये x के मान आ गए, ठीक है, सपोज करो x के मान आंकिक रूप से लिखूँ मैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि एक है, मान लेते हैं कि ये दो है और ये माइनस के वन है, तो आप देख के बोल दोगे कि भैया ये जो एक ये जो माइनस का एक है ये क्या है, निम्नतम बिंदु है, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु है, सबसे छोटा है, देख के पता लगेगा, और जो दो है सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। ठीक है, अगर मान निकालना है तो इस x का जो मान है वो यहाँ रख देंगे, जो f माइनस वन होगा और f टू होगा, f माइनस वन क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा, और ये दो जब रखेंगे एक फंक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है प्रथम अवकलज विधि में। अगर x, बाकी जो द्वितीय अवकलज विधि में आपको सिखाऊंगा ना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप हर विधि में निकालना ही निकालना है, बात सिर्फ यहाँ पे आके रुक जाती है। अब द्वितीय अवकलज में क्या होता है ये जान लीजिए, द्वितीय अवकलज में क्या है, देखो स्टेप वन आपका फिक्स है, स्टेप वन और स्टेप टू कॉमन है प्रथम अवकलज विधि का, मतलब ये चाहे द्वितीय अवकलज विधि भी लगाओ ना, तो ये फंक्शन दिया होगा आपको, अवकलज करना पड़ेगा एक बार अवकलज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या रखना होता है, जीरो के बराबर रखना होता है, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है इसमें भी। अब इसमें क्या है, देखो अगर x का एक बिंदु आता है तो आप दूसरा ही लगाओगे, पहला वाला फेल हो जाएगा, अगर यदि x का एक बिंदु आया है, केवल एक बिंदु, देखो एक बिंदु या एक से ज्यादा बिंदु, अगर एक से ज्यादा बिंदु है तो द्वितीय वाला लग सकता है, हर एक बिंदु पे हम चेक कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही बिंदु आया है तो द्वितीय अवकलज विधि लगाओ तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको स्टेप थ्री में द्वितीय अवकलज करना होता है, दोबारा से अवकलज करना होता है, द्वितीय बार अवकलज करना होगा। अभी इन पे ना प्रश्न करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जितने क्वेश्चन बनाओगे ना कॉन्सेप्ट उसी से निकल रहे हैं, यहां तो मैं बस समझा रहा हूं, क्वेश्चन जब करोगे तो एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय बार अवकलज करेंगे और जो बिंदु होगा, यदि इस बिंदु पर एफ डैश ए का मान अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो फलन क्या होगा, फलन निम्नतम होगा, और इस ए का मान जैसे ही फंक्शन में रख दोगे तो हमें निम्नतम मान मिलेगा। ठीक, और यदि इसका मान नेगेटिव में आता है, ठीक है, एफ डैश जो दोबारा आप क्लस करोगे उस बिंदु को आप यहां रखोगे और हल करने पर अगर नेगेटिव आता है तो फलन उच्चतम होगा, फलन उच्चतम होगा। ठीक है, अगर फलन उच्चतम है तो जैसे फंक्शन में उस बिंदु को रखोगे तो आपको उच्चतम मान मिलेगा। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये चीज़ अगर ए हम यहाँ रखते हो, आगे बता देता हूँ, यदि आगे उसके आगे ये लिख देना, यदि हम एफ डश ए रखते हैं और ये ज़ीरो आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है,
तो टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि फिर इस स्थिति में जब फेल हो जाएगा तो हमें फिर से कहाँ कूद के जाना पड़ेगा, प्रथम अवकलज विधि में, ठीक है। और फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा दाएं और बाएं रखकर। आई बस समझ में? अगर जीरो आ जाता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, और जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर से हमें कूद के कहाँ जाना पड़ेगा, पहले वाले में, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो आता है ना तो ये माना जाता है, लगभग श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर नति परिवर्तन है, इस बिंदु पर नति परिवर्तन है, ना तो उच्चतम मिलेगा ना ही निम्नतम मिलेगा, ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन फिर भी हम श्योरिटी के लिए प्रथम अवकलज विधि में जाते हैं कूद के, फिर देखते हैं बाएं में क्या हो रहा है, दाएं में क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, या फिर कोई चिन्ह ही नहीं बदल रहा है। अगर कोई चिन्ह नहीं बदलता है तो हम क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो उच्चतम, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो निम्नतम, ये चीज़ चलती है। इतना आ गया होगा आपको समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सा बेसिक अगर आप समझ चुके हैं दोस्तों तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और जैसे जैसे हम प्रश्नों को भी हम हल करेंगे आपका कॉन्सेप्ट भी और शानदार तरीके से निकलता जाएगा। तो देखिए हम आ चुके हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में, अब आप खुद क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.03 अवकलज के अनुप्रयोग, मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक हमारा, कहते निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है, यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब देखो ये फंक्शन है ना, पॉलीनोमियल फंक्शन है सारे, तो इसको कैसे हल करेंगे, सेकंड अवकलज विधि हम लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले x का मान 1 आता है या 2 आता है या उससे ज़्यादा आता है, उस पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि आप सेकंड वाले से ही चलो, क्योंकि उससे ही सब आसान पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन के पहले पार्ट पे आ जाते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा फंक्शन x है वो हमें दे रखा है 2x-1 होल स्क्वायर +3, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा नियम क्या कहता है, चाहे प्रथम हो या द्वितीय अवकलज कोई विधि लगाओ, ठीक है, तो अवकलज करना होता है एक बार, और आप कौन सी विधि लगा रही हो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अवकलज करेंगे पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो x का गुणज 2 लग जाएगा, और 3 का अवकलज क्या होता है, 0, ठीक है। अवकलज करना तो आता ही होगा ना, अब 2 × 4, ठीक है, अंदर है 2x-k1, ठीक है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देखें, ये हमने अवकलज कर दिया, ओके। अब आ जाइए, अब क्या करना है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो हमने एक बार अवकलज किया है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ये हमने एक बार इसको अवकलज किया है, f(x) ये है हमारा, यहाँ हम रख देंगे 2x-1, ठीक है। 4 पॉजिटिव है, दो संख्या का गुणनफल 0 है, 4 का मान 0 नहीं होता है तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि 4 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, 0 के पट्टे 4 0, तो 2x-1 को जब आप 0 रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, पट्टे में आ जाएगा, ठीक। एक ही बिंदु आया है, जब एक ही बिंदु आता है तो कौन सा नियम लगाते हैं, हम कौन सा नियम लगाते हैं, द्वितीय अवकलज, दोबारा से अवकलज करो, ठीक है, पुनः हमें क्या करना होगा, दोबारा से अवकलज करना होगा, क्योंकि x का केवल एक मान आया है, तो ये चीज़ ना इसका दोबारा से अवकलज करेंगे। 4 2x-1 का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x का अवकलज 1, 1 का अवकलज क्या होता है, 0, 4 × 2 = 8। तो देखो यहाँ से पहले ही x का नामो निशान ही नहीं है, तो यहाँ से देखो f(x) का मान अगर 1/2 रखो भी यहाँ पर, x की जगह 1/2 रख दो, तो 4 × 8, 8 क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक,
ठीक है, क्या आ गया धनात्मक। और धनात्मक में का मतलब क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स धनात्मक आता है अर्थात एक्स बराबर एक बट्टे दो पर मिनिमम मतलब निम्नतम, अर्थात एक्स बट्टे दो पर निम्नतम मान मिलेगा और एक्स बराबर एक बट्टे दो ये क्या है निम्नतम बिंदु है, ये क्या है हमारा निम्नतम बिंदु, ठीक है एक ही बिंदु है तो निम्नतम ही दिखा रहा, तो निम्नतम बिंदु आ गया है ना, तो निम्नतम मान ही मिलेगा अतः निम्नतम मान। ठीक है, निम्नतम मान निकालने के लिए आपको फंक्शन एक, ये जो फंक्शन एक्स दे रखा है समीकरण एक में ही मान रखना पड़ेगा एक्स का, ठीक है निम्नतम मान एक्स बराबर एक बट्टे दो समीकरण एक में रखने पर, है ना यहाँ लिख के बताना पड़ेगा क्योंकि नोट्स पे बच्चे समझ नहीं पाएंगे फिर। तो एफ वन बाई टू, ठीक है यहाँ रखेंगे तो टू एक्स की जगह पर रख दिया वन बाई टू माइनस के वन स्क्वायर प्लस के हैं यहाँ पर तीन, दो से दो घटा एक में से घटाएंगे जीरो जीरो का वर्ग जीरो प्लस तीन तो ये आ जाएगा तीन, तो हमें हमारा जो निम्नतम बिंदु मिलेगा वो एक बट्टे दो मिलेगा और निम्नतम जो मान होगा वो कितना आएगा तीन आएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं, जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको बोला था ना उस लॉजिक से भी समझ लेते हैं एक बार, यहाँ देखो ठीक है एग्जाम में यहाँ तक लिखोगे चलेगा, अब आपकी चॉइस है ये तुम ये वाला मेथड सीख लो काम देगा फ्यूचर में, ठीक है ना समझने के लिए। एक्स का मान मुझे क्या मिला है एक बट्टे दो मिला है, इधर हमारे पास प्लस का इन्फिनिटी है इधर हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी है, अगर इसके मैं पड़ोस का बिंदु ले लूँ एक्स का मान एक ले लेते हैं और इसके बाईं तरफ एक्स का मान मैंने माइनस का एक ले लिया है, अब हमें चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव में किसमें चेंज हो रहा है, हमारे पास एफ डैश एक्स का मान क्या है, एफ डैश एक्स का मान हमारे पास तो फोर टू एक्स माइनस वन फोर टू एक्स माइनस वन यही है ना। अब एक्स की जगह पर हम माइनस के वन रखते हैं बाईं तरफ और एक्स की जगह पर हम प्लस का वन रखेंगे दाईं तरफ, अब देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। फोर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, एक्स की जगह पर माइनस के वन रखोगे माइनस टू माइनस वन माइनस, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो बाईं तरफ तो है नेगेटिव, दाईं तरफ देखो क्या बदल रहा है फोर हमारा पॉजिटिव होता है एक्स की जगह पर एक रखोगे दो एक कम दो, दो में से एक घटेंगे एक आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो इस कॉन्सेप्ट से पता लग रहा है। देखेंगे चूंकि एक्स बराबर एक बट्टे दो पर बाएं से दाएं जाने पर फलन एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, देखो अगर पॉजिटिव में बदल रहा है तो निम्नतम, अगर नेगेटिव मतलब लास्ट में अगर पॉजिटिव में खत्म हो तो उसका उल्टा नेगेटिव निम्नतम और अगर नेगेटिव में खत्म हो रहा है तो उच्चतम, ठीक है ये सेंस सिंपल सा नियम याद रखना। अतः एक्स बराबर वन बट्टे दो हमारा क्या होगा निम्नतम बिंदु, तथा फंक्शन एक्स की जगह पर एक बट्टे दो रख देंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास टू एक्स की जगह पर एक बट्टे दो रखेंगे प्लस तीन तो हमें कितना मिल जाएगा तीन, तीन हमारा क्या होगा निम्नतम मान होगा निम्नतम मान। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है अब आपको एग्जाम में ये वाला करना है या ये वाला करना है वो आपकी चॉइस है, मैंने दोनों आपको बता दिए, ठीक है भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना आप सीखते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही निखरता जाएगा,
ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स, जो कि है 9x² प्लस के 12x प्लस के 2। ठीक, तो वही चीज है, हम क्या करेंगे एक बार अब क्लच x 9 × 18x, यहाँ से आ जाएगा 12x का अवकलज 1 होता है और कांस्टेंट का 0। ठीक, ओके, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है कि हमें f(x) को 0 के बराबर रखना होता है, रखा तो यहाँ से आ जाएगा 18x प्लस के 12 बराबर 0। सो आप देखेंगे प्लस के 12 इधर के माइनस का 12 हो जाएगा और 18 गुणे में इधर के बट्टे में 6 × 18 6 × 12 x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 2/3। ठीक है, तो केवल एक बिंदु है तो द्वितीय अवकलज विधि बेस्ट रहेगी। तो हमें क्या करना है, दोबारा से अवकलज करना है f(x) का समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें क्या करना है, दोबारा अवकलज करना है पुनः f(x), तो 18x का अवकलज 1 और 12 का अवकलज 0, तो 18 × 18 यानी कि x तो इसमें ही नहीं, यानी कि x का मान जब हम रखेंगे यहाँ पर -2/3 पर, तो ये हमें कितना मिला 18, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, निम्नतम, यानी कि x बराबर -2/3 है हमारा क्या है, निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु। तो x बराबर -2/3 पर हमें क्या मिलेगा, निम्नतम मान मिलेगा। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2/3 समीकरण 1 में रखने पर, रखो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, -2/3 -2/3 यहाँ रखें, कहीं पर भी डाउट हो ना प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखना। तो यहाँ से देखो 3 9 2 का वर्ग 4 -3 × 9 3 × 12 4 × 2 − 8 ठीक है, +4 + 2 6 तो कितना आ जाएगा -4 ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था ना, 4 − 8 और यहाँ प्लस का 2 भी तो है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारा जो निम्नतम मान होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, निम्नतम मान। ठीक, तो प्रोसेस सेम है, ये सबसे आसान प्रोसेस है, जिसके आसान विधि जिसके द्वारा हम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी एक एक पर्टिकुलर बिंदु पे हमें चेक करना होगा ना, द्वितीय अवकलज जरूर हम देखते हैं, और ये सबसे आसान विधि है, क्योंकि बाकी के जितने भी प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ से बड़े नंबर में 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले पर आ जाओ, तीसरे वाले पर आते हैं। देखिए तीसरे वाले में हमें जो फंक्शन दे रखा है, थर्ड पार्ट में फंक्शन एक्स हमें दे रखा है -x − 1² + 10। ठीक है, ये देखो तीसरे वाले पार्ट में हमें दे रखा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तरीका वही है, क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। तो एग्जाम में जब लिखोगे तो लिख देना x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक बार अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर हो जाएगा माइनस, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है,
अंदर का प्लस करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और 10 का प्लस क्या होता है, ज़ीरो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x-1, ये चीज आ जाएगी। ये हमें एफ डैश एक्स मिल गया, ठीक। उसके बाद हमें लगे हाथ यहाँ दोबारा क्लच कर देंगे, कर देते हैं एक ही साथ, दोबारा से जब क्लच करेंगे माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और ये रैखिक एक्स की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका आप क्लच करेंगे तो एक आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 2, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, देखो अब हमें क्या करना होता है क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है। रखो 0 के बराबर, ये हमारा एफ डैश एक्स है, माइनस के 2x-1 बराबर 0, तो माइनस का 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, काम खत्म। तो एक्स माइनस 1 हमें 0 के बराबर मिलेगा, माइनस का 1 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, एक ही बिंदु है। अब हमें क्या रखना होता है, यहाँ पर रखना होता है, इसको समीकरण नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोलो, और इसको 3 बोलो, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः एफ डबल डैश एक्स की जगह पर रखना है हमें 1, तो देखो यहाँ एक्स है ही नहीं, डायरेक्टली माइनस का 2 है, नहीं तो एक्स की जगह पर हम 1 रखते हैं, ये माइनस का 2 यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव पे ख़त्म हो रहा है यानी कि उच्चतम। ये जो x बराबर हमारा 1 है, ये हमारा उच्चतम बिंदु है, ये हमारे क्या है दोस्तों, उच्चतम बिंदु। तो फंक्शन x में x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, ये जो फंक्शन है x की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक। हल करेंगे, ये 0 प्लस 10, तो 10 हमें क्या मिल जाएगा, उच्चतम मान, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। चौथे पार्ट में आ जाओ, ये हमें जी एक्स दे रखा है, सभी को एफ एक्स बोल रहे थे, इसमें नया नाम दे दिया जी एक्स, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है, बस नाम बोला है, ठीक, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जी एक्स बोलो, एच एक्स बोलो, कुछ भी बोल दो, इट डजेंट मैटर। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जी एक्स, क्या है वो, x की पावर 3+1, यही है ना। हमें क्या करना है, एक बार अब क्लच करना है, एक बार अब क्लच कर देंगे, 3x² हो जाएगा, लगे हैं दोबारा अब क्लच भी कर दो तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक बार अब क्लच किया उसको 0 के बराबर रखना होता है, जी डैश एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² बराबर 0, ठीक है, यानी कि 3 गुणे मीटर के पट्टी में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकालोगे एक्स का मान क्या आएगा, 0 दो बार आएगा, ठीक है, 0 एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ 0 है तो वर्गमूल निकालोगे एक्स के 2 मान आने चाहिए, तो एक्स के 2 मान आएंगे 0 और 0, तो कुल मिला के 0 दो बार है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही मान माना जाएगा, ठीक। अब देखो एक्स बराबर 0 जब आप रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ रखो, रखना होता है ना डबल डेरिवेटिव में, एक ही बिंदु आया है, अब रखो, अब जी डबल डैश एक्स में एक्स की जगह में क्या रखना है, 0 पर, ये लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, यहाँ रखना होता है 6x की जगह पर 0 रख दो, 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है, नति परिवर्तन, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव में, अतः x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर फलन नति परिवर्तन होगा,
मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, ना उच्चतम ना निम्नतम। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझना चाहो तो यहाँ देख लो, लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक अभी मैंने आपको बोला था, इधर हमारा प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर हमारा माइनस का इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, और एक्स का मान हमें कितना मिला है, एक्स का मान मिला है हमें ज़ीरो। तो ज़ीरो के दाईं तरफ मैं एक मान ले लेता हूँ एक, और बाईं तरफ एक मान लेता हूँ माइनस का एक, ठीक। और ये मान मुझे रखना होता है किधर, एफ डैश एक्स में। ये मान मुझे रखना है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मेरा क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। एफ डैश की जगह बस जी बोला, जी डैश एक्स, ठीक। नती परिवर्तन की मैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स के देखो लेफ्ट में कुछ भी मान है, माइनस का वन है, माइनस का टू है, माइनस थ्री, कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने एक्स के जगह माइनस वन ले लिया, रखो तो तीन, और ये आ जाएगा तीन एक कम तीन, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव। तो इधर क्या आया, पॉजिटिव आया, बाईं तरफ पॉजिटिव आया है। अब दाईं तरफ पे कोई एक मान ले लिया, मैंने वन ले लिया, वन पे चेक कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे तीन मिल गया, ठीक है। तीन क्या है, कुल मिला के पॉजिटिव। तो कोई परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि नती परिवर्तन। अतः एक्स बराबर जीरो पर नती परिवर्तन है, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन शानदार जानदार है, ठीक है, शानदार जानदार है। देखो ये पॉलीनोमियल वाला पार्ट है, ये है, ये है, लेकिन इनमें क्या है, थोड़ा सा हटके है और थोड़ा और आसान हो जाएगा जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ। वैसे इन प्रश्नों को ना जिस तरीके से हमने किया वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन है, ठीक है, मापांक फलन दे रखा है, तो इसको हम और भी सरल तरीके से कर सकते हैं। मापांक फलन है ना, तो इसको हम और भी सरल तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर उच्चतम और निम्नतम मान कोई हो तो हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहां लिखेंगे हम दिया है, क्या दे रखा है हमें, एफएक्स, एफएक्स हमारे पास है एक्स प्लस टू, मॉडुलस फंक्शन है ये, मापांक फलन है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखो पहला फलन हमारा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्योंकि एक मापांक फलन है, और आप जानते हैं कि हर एक मापांक फलन, चाहे वो मापांक फलन कुछ भी क्यों ना हो, उसका मान हमेशा पॉजिटिव में होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक। अब मुझे इस तरीके से बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से एक घटा दूंगा, इधर से भी घटाऊंगा और इधर से भी घटाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का वन। एक्चुअली ये क्या है, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है। तो यानी कि इसके जगह पर मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, फंक्शन एक्स, फंक्शन एक्स का मान माइनस के वन आ गया, और ये चिन्ह आपको पता है, इस चिन्ह पे क्या लगता है, क्लोज इंटरवल। अगर सिर्फ ये चिन्ह हो या ये चिन्ह हो तो ओपन इंटरवल लगता है, और अगर ये वाला हो तो क्लोज इंटरवल लगता है, ये हम जानते हैं। यानी कि जो फंक्शन एक्स है, ठीक है, फंक्शन एक्स की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, माइनस वन है या माइनस वन से बड़ा है, इस चिन्ह के लिए इस पे तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा, बड़ा कहां तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। और जब भी ओपन इंटरवल आएगा ना, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसको हम नहीं लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो इस फलन की सबसे छोटी मान जो मान है, छोटी मान हमें मालूम है वो है माइनस के वन, और बड़ी मान अनंत तक जा रहा है,
जब भी कोई चीज़ बड़ी के लिए या फिर छोटी के लिए अनंत की ओर जाएगी, उसे हम अपने में नहीं लेंगे, ठीक है। वो बाउंड्री से बाहर, अनंत कहाँ तक जाएगा? बड़ा मान अनंत है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। एग्जैक्टली मान बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारा जो न्यूनतम मान मिलेगा, न्यूनतम मान, वो होगा माइनस का 1। और उच्चतम की अगर हम बात करें, उच्चतम मान, ठीक है, तो उच्चतम मान कुछ नहीं होगा इसमें, अस्तित्व नहीं है लिख देंगे। अनंत आया ना, तो ये लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिख देना। कोई डाउट, कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाला, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है जी एक्स करके दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है को अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन। जी एक्स हमें दे रखा है प्रश्न में माइनस का एक्स प्लस 1 प्लस का 3, ये चीज़ हमें दे रखी है। फिर से यहाँ देखोगे भैया ये क्या है, एक मापांक फलन है, तो यहाँ लिखोगे फिर से आप, हम जानते हैं क्या जानते हो तुम कि x प्लस 1 मापांक फलन का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक। यहाँ नेगेटिव लगा है, नेगेटिव से गुणा कर दो। जब भी हम नेगेटिव से गुणा करते हैं ये चिन्ह बदल जाता है, ये इधर का इधर घूम जाएगा नेगेटिव से गुणा करते ही। फिर क्या किया है, देखो 3 जोड़ा है, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, ठीक। तो ये इस फंक्शन को हमने क्या नाम दे रखा है प्रश्न में, जी एक्स, तो इसके जगह आ जाएगा जी एक्स, और 0 प्लस 3 किया जाएगा 3, ठीक। यानी कि जो जी एक्स की जो बाउंड्री होगी, जी एक्स का मान 3 या 3 से छोटा है, ये चिन्ह आ रहा है ना लेस देन इक्वल, तो ये 3 से छोटा यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है, छोटा यानी कि माइनस, और ये छोटा यानी कि अधिकतम मान इसका जो होगा वो 3 होगा, बड़े से बड़ा मान 3 होगा, और छोटे से छोटे मान का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होगा 3, और न्यूनतम मान क्या होगा, कोई अस्तित्व नहीं, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। यहाँ क्या है, साइन 2x प्लस 5 है, ठीक है, इस पे आ जाओ, थर्ड नंबर पे। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एच एक्स हमारे पास है साइन 2x प्लस 5 है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एंगल में आ रहा है, ओके, ये चीज़ हम जानते हैं। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हो तुम कि साइन थीटा का जो मान होता है उसका मान 1 या माइनस 1 के बीच में लाई करता है, अर्थात प्रश्न के अनुरूप क्या हो जाएगा, 2, यहाँ 2x नॉर्मली है, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 2x का मान, साइन 2x का मान 1 या माइनस 1 के बीच में होगा। फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ, 5 जुड़ा हुआ है, हर एक पक्ष में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, 5 जोड़ दो, तो इधर भी 5 जोड़ेंगे, इधर भी 5 जोड़ेंगे, और इधर भी 5 जोड़ेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4,
और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो जो अधिकतम मान है वो कितना हो जाएगा, उच्चतम मान 6 हो जाएगा, और निम्नतम मान जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, अतः इसका इस फंक्शन का ना साइन 2x+5 का, अतः अधिकतम मान होगा और जो न्यूनतम मान होगा वो 4 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फंक्शन एक्स, फंक्शन एक्स हमें दे रखा है मापांक फलन के अंदर, साइन 4x+3। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। सो जानते ही आप क्या जानते हो, यहाँ देखो, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 ये -1 के बीच में होता है। ठीक है, यही होता है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, अतः यहां 4x तक लेंगे हम, अतः साइन 4x का जो मान होगा वो 1 या -1 के बीच में होगा। फिर क्या है, +3 जोड़ रखा है, तो दोनों पक्षों में हम 3 जोड़ देंगे, और 3 में से 1 घटाएंगे, 2 साइन 4x+3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, तो जब आप प्रश्न में देखोगे यहाँ पर ना मापांक का चिन्ह है, अगले स्टेप में क्या करना है, हर एक पार्ट में मापांक ले लेना है। तो ये आ जाएगा 2 साइन 4x+3, और यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि नेगेटिव में होता है उसे पॉजिटिव में लिखते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो गया, मैक्सिमम पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, मिनिमम। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखूँ साइन 4x+3, तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये वाला चिन्ह है ना 2 से 4 के बीच में। अतः अधिकतम मान जो होगा वो कितना होगा, 4, और जो मेरा न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, 2। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आखिरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आखिरी वाले पार्ट में क्या, देखिए HX हमारा दे रखा है x+1, इसको हम नॉर्मल से भी कर सकते हो, जैसे इन प्रश्नों को हल किया था ना, ऐसे भी ये वाला कर सकते हो, लेकिन जब तक इन चार पार्ट को थोड़ा अलग वे में किया है, तो इस छोटे से प्रश्न 5वें पार्ट को भी हम इसी वे में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरवल मेंशन कर दिया गया इसमें कि एक्स का जो मान आ रहा है वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन और सिंपल और आसान हो गया है। ठीक है, जब सिंपल और आसान है तो सिंपल वे में ही करेंगे, 5वें पार्ट में आ जाओ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है HX, HX हमारे पास है x+1, और हमारा जो x आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, ओपन इंटरवल में। ठीक है, -1 से 1 के बीच में, ओपन इंटरवल में। अब देखो हमें प्रश्न में क्या बोला है, ओपन इंटरवल है, यानी कि x का जो मान है वो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। इस इंटरवल का मतलब समझते हैं ना, कि देखो हमारे पास -1 और 1 दोनों के दोनों नहीं है, इसके बीच के सारे मेंबर्स हैं,
माइनस वन भी नहीं है और वन भी नहीं है, लेकिन इनके बीच के सारे पद हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्लस का वन है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में एक जोड़ दूंगा। तो एक में से एक हटाएंगे ज़ीरो, ये एक्स प्लस वन क्या है हमारा, एच एक्स है, और वन प्लस वन टू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो और टू, इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो और टू, ना तो इसके पास ज़ीरो है ना ही इसके पास टू है। ठीक है, यानी कि इसके पास ना तो कोई उच्चतम मान है ना ही कोई निम्नतम मान है, क्योंकि यहाँ पर ओपन लगे हैं, और जब जब ओपन इंटरवल लगता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता उस मान का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मान, तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं। ठीक, फिर लिखेंगे अधिकतम मान, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल में लगाए तो ये लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं आगे के प्रश्नों में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे निम्नलिखित फलनों के स्थाई उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो उसको भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न हमने एक से लेकर चार को हल किया था ना, डिक्टो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर आठ तक हमें हल करना है, कोई अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न में, तीसरे का पहला पार्ट, क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, प्रश्नावली 6.3, नई एनसीईआरटी बुक। ठीक, तो हमारे पास है फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, यही है हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x, हमें दोबारा अवकलज करना होता है तो इसका अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहां से हो जाएगा, हमें एफ डॉट एक्स को जीरो के बराबर रखना होता है, तो ये 2x इधर जीरो, दो गुणा में इधर के पट्टी में आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, इस जीरो को डबल डैश में रखना होता है, एफ डबल डैश, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, जीरो यहाँ रखना होता है, तो एक्स है ही नहीं, टू आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक होने पे क्या होता है, निम्नतम मान, एक्स बराबर टू हमारे क्या है, निम्नतम बिंदु है। ठीक है, इसलिए फंक्शन टू, एक्स की जगह पर टू रख देंगे और यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें निम्नतम मान मिल जाएगा, तो एक्स की जगह पर दो रखना है, दो का वर्ग, दो दूनी चार, तो ये हमें मिल गया निम्नतम मान आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। चलिए अगले पार्ट में आ जाओ, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स की घात 3 माइनस के 3x। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला पार्ट है, दिया है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है जी एक्स, एक्स की घात 3 माइनस के 3x। ठीक, क्या करते हैं एक बार अवकलज, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3, दोबारा से अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, दोबारा से अवकलज कर दिया, अब हमें
क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब इस मान को हम जीरो के बराबर रखेंगे जी डैश एक्स को। तो यहाँ से अब जब देखोगे 3x² माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 1 3 और x का मान आ जाएगा प्लस का 1 माइनस के 1। अब हमें चेक करना है, दो बिंदु हैं x के, यहाँ से हमें x के दो मान मिले, एक तो प्लस का 1 और एक मिला हमें माइनस का 1। अब देखो x बराबर 1 पर चेक करते हैं, ठीक है, x बराबर 1 पर जी डबल डैश x हमारे पास कितना है 6x, तो 1 रखो 6 कम 6 यानी कि धनात्मक। ठीक, धनात्मक का मतलब क्या होता है, x बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नतम बिंदु। पॉजिटिव यानी का सेंस नेगेटिव से लिया जाता है, निम्नतम बिंदु। इसीलिए निम्नतम हमें मान निकालना है, x की जगह पर 1 रख दो फंक्शन में, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो। माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 1 पे तो हमें ये मिला, अब आ जाओ x बराबर माइनस 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 1 पर जी डबल डैश माइनस 1, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस के 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा माइनस का 6 यानी कि ऋणात्मक। नेगेटिव आने पर सेंस पॉजिटिव का आता है। ठीक, यानी कि एक्स बराबर माइनस 1 हमारा क्या है, उच्चतम बिंदु। इसीलिए जो उच्चतम मान होगा क्या करना होगा, फंक्शन में x की जगह पर माइनस के 1 रख देना होगा, जहां जहां x है वहां माइनस के 1 रख दो। तीन में से एक घटाएंगे 2 आ जाएगा, पॉजिटिव के 2। ठीक है, तो हमारा जो निम्नतम मान होगा वो माइनस के 2 होगा और जो उच्चतम मान होगा वो प्लस के 2 होगा। ठीक, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, दिया है क्या, दे रखा है हमें एच एक्स। देखो भाई, एच एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स जो हमारा एक्स जो हमारा इंटरवल है पाई बाई 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है विशेष। तीसरे नंबर पे आ जाओ, दिया है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, और जो x हमारा आ रहा है वो ओपन इंटरवल है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, तो लॉजिक सॉल्व करने का जो तरीका, एक बार आप क्लोज करेंगे साइन x का क्लोज कॉश एक्स, कॉश एक्स का क्लोज माइनस के साइन x, दोबारा सब क्लोज कर लो, कॉश x का क्लोज माइनस के साइन x और साइन x का क्लोज कॉश x। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए या फिर क्रांतिक बिंदु के लिए ऐसे लिखा जाता है, क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने एक बार अब क्लच किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉश एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर 0। माइनस का साइन एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साइन एक्स, और इधर कुछ नहीं तो गुणे में 1 लिख सकता हूँ। गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक,
और आप जानते हैं साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन एक्स बराबर है, इधर टेन है तो इधर भी टेन करना होगा, टेन पाई बाई फोर का मान एक होता है। टेन से टेन की कंपैरिजन करोगे हटेगा एंगल कंपैरिजन में, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर, एक पॉइंट आया। ठीक, अब इस एक्स का मान हमें इसमें यहाँ रखना होगा और देखना होगा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, फिर हम बता पाएंगे कि उच्चतम है या निम्नतम। अब एक्स बराबर पाई बाई फोर पर समीकरण नंबर तीन से साइन पाई बाई फोर का मान साइन पैंतालीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट दूं, ये भी एक बटे अंडर रूट दूं, तो ये आ जाएगा माइनस के दो अंडर रूट दो। ठीक है, कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक्स बराबर पाई बाई फोर हमें क्या देगा, उच्चतम बिंदु देगा। नेगेटिव का सेंस पॉजिटिव से जाता है, ठीक है, इसलिए उच्चतम मान, उच्चतम मान हमें फलन में रखने में मिलता है। फलन हमारा ये है, पहला वाला समीकरण एफ पाई बाई फोर, तो एक्स की जगह पे पाई बाई फोर रख दिया, साइन पाई बाई फोर यहाँ पर कॉस पाई बाई फोर, एक्स की जगह पे पाई बाई फोर रख दिया, साइन पैंतालीस का मान एक बटे अंडर रूट दो, कॉस पैंतालीस का मान एक बटे अंडर रूट दो, तो ये हो जाएगा दो बटे अंडर रूट दो। दो को लिख सकता हूँ अंडर रूट दो गुना अंडर रूट दो, दो से दो कटा, तो हमें हमारा जो उच्चतम मान मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट दो। तो देखिए चौथा पार्ट भी बिल्कुल वैसा है, प्लस की जगह बस माइनस कर दिया और इंटरवल जीरो से लेकर टू पाई तक लेना है हमें। ठीक है, पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लेना था, तो जो पाई बाई फोर वैल्यू आई थी वो इसके बीच में लाई कर रही थी, अब हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में जितनी हो सकती है वो हमें सारी लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हमने तीसरा किया था ना, बिल्कुल चौथा है, लेकिन एक इंटरवल और एक माइनस ने कितना खेल बिगाड़ दिया है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और एक्स जो हमारा आ रहा है जीरो से टू पाई के बीच में आ रहा है, ये इंटरवल हमें दे रखा है। ठीक है ना, ये लाइट बहुत फ्लिकर कर रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक बार अब क्लोज करेंगे, साइन एक्स का अपक्लोज क्या होता है कॉश एक्स, और कॉश एक्स का अपक्लोज होता है माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोबारा से हमें अपक्लोज करना होता है, कॉश एक्स का अपक्लोज माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का अपक्लोज क्या होता है कॉश एक्स। ठीक, अब आ जाएंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एफ डैश एक्स होता है उसको जीरो मानते हैं, तो क्या है हमारा एफ डैश एक्स, कॉश एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम जीरो के बराबर मानेंगे, तो यहां आप देखोगे कि जो कॉस एक्स है वो गुणा प्लस का है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इसको गुणे में मैं एक लिख सकता हूं, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा माइनस के वन। ठीक, तो टेन एक्स का मान क्या आ गया, माइनस के वन आ गया। अब टेन एक्स का मान माइनस में किसके चतुर्थांश में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। ठीक, और वन किस एंगल पे मिलता है, वन मिलता है पाई बाई फोर एंगल पे, क्योंकि हमारा जो एक्स का मान हमें लेना है वो जीरो से टू पाई, जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ टू पाई ख़त्म होता है, इसके बीच में सारा लेना है जो नेगेटिव आता है, तो क्या मिलेगा, अगर मुझे सेकंड में चाहिए होता तो पाई में से घटाना होता है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई फोर, और दूसरा क्या होगा चौथे में चाहिए तो टू पाई में से मुझे घटाना है, वन किस एंगल पे मिलता पाई बाई फोर पे, तो पाई बाई फोर मुझे घटाना है, तो चार पाई में से एक पाई घटाएंगे, यह आ जाएगा तीन पाई बट्टे चार,
और चार दुनी आठ पाई में से घटाएंगे आ जाएगा 7π/4। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों मान हैं वो हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं, 0 से 2π के बीच में। अब हमें इस पर और इस पर चेक करना है कि कौन न्यूनतम मान देगा कौन अधिकतम देगा। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3π/4 पर। तो पहले देखेंगे न्यूनतम दे रहा है या अधिकतम दे रहा है, हमें यहाँ रखना पड़ेगा f डबल डैश। ठीक, यहाँ रखेंगे साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर। फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो, आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा क्या जाएगा, पाई बाई फोर, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, इसका मान होता है 1/√2, और इसका मान भी होता है 1/√2। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कुल मिला के ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उच्चतम, यानी कि x बराबर 3π/4 जो है वो हमारा उच्चतम बिंदु है। वो हमारा क्या है, उच्चतम बिंदु है। तो उच्चतम मान क्या होगा, इसलिए उच्चतम मान हमें क्या करना होगा, फंक्शन में x के जगह पे क्या रखना होगा, 3π/4 रख देना होगा। फंक्शन क्या है हमारे पास, यह है फंक्शन। ठीक है, साइन x, x की जगह 3π/4 माइनस के कॉस 3π/4। इसको हल कर दें, यहाँ से क्या हुआ देखिए, तो ये हो जाएगा साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस। इसका मान 1/√2, इसका मान 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। दो को लिख सकता हूँ √2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी √2। ठीक है, अब आ जाओ x बराबर 7π/4 पर। तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा वो हमें चेक करना है, यहाँ रखे डबल डेरिवेटिव वाले में रख के तुम चेक कर दें। तो रखो f डबल डैश 7π/4 पर। ठीक, ओके, अब इसको हम तोड़ेंगे। तो साइन 7π/4 को तोड़ के लिख सकते हैं 2π-π/4। ठीक, अब देखो साइन 2π-θ माइनस के साइन थीटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस 2π-θ कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, तो ये कॉस पाई बाई फोर ही रहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका मान भी 1/√2 होता है, इसका मान भी 1/√2, तो कुल मिला के धनात्मक आ जाएगा। और धनात्मक का मतलब क्या है कि 7π/4 हमारी कैसी वैल्यू है, निम्नतम बिंदु है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा निम्नतम बिंदु है, इसलिए जो निम्नतम मान होगा वो हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन में मान रखना होता है, फंक्शन हमारे पास क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 7π/4 रख दो। ठीक है,
इसको हल करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2π - kπ/4 कॉस 2π - kπ/4 साइन 2π - थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है π/4। ठीक है, अब इसको हल करो, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस के 2/√2 तो ये आ जाएगा माइनस के √2। ओके, तो ये हमें हमारा निम्नतम मान आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्न में एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। बाकी प्रश्न भी हमारे ऐसे ही हैं, पांचवा, छठा, जितने भी प्रश्न हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलिए करते हैं, पांचवे प्रश्न में आते हैं। ये हमारा फंक्शन है, देखो फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स हमारे पास है x³ - 6x² + 9x + 15। ठीक, नियम क्या कहता है एक बार आप क्लोज करो, 3x² हो जाएगा 6 × 12x + 9। ठीक, दोबारा आप क्लोज करेंगे, 3 × 6x और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए या उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एक बार जो अवकलज किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तीन से तुम भाग दे दोगे, 3 × 3 3 × 12 3 × 9 गुणा करने पे 3 है, जोड़ने पे 4 3 × 3 यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 1 उभयनिष्ठ, गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसको 0 मानोगे, एक बार इसको 0 मानोगे, यदि x - 3 = 0 तो x = 3, यदि x - 1 = 0 तो x = 1, तो x के 2 मान आ गए। ठीक है, x के 2 मान आ गए, तो निकालो, 2 मान आ गए तो देखो x = 1 पर रखो डबल डैश में, तो 6x की जगह पर 1 = 12, 6 × 6 = 6 में से 12 घटाएंगे, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उच्चतम, उच्चतम बिंदु, इसलिए उच्चतम मान क्या होगा, ठीक है, x = 1 आया ना, वो हमने यहां रखा, उच्चतम मान आ गया, रखते हैं, हमें क्या रखना होता है, फंक्शन में रखना होता है, x का मान 1 रखना है फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन है, 1 × 3 = 6x की जगह पर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रख दे रहे हैं, 1 × 6 = 6 + 9 + 15 तो 9 × 10 और ये हो गया 25, 25 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 19, ठीक है, कितना आ जाएगा 19, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब x = 3 पर तो f" (x)³ रखो, यहाँ पर 6 × 18 - 12 18 में से 12 घटाओगे 6 आ जाएगा, यानी कि धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या हुआ, x = 3 हमारा क्या है, निम्नतम बिंदु है। ठीक है, निम्नतम बिंदु आ गया, इसलिए निम्नतम मान, फंक्शन में
एक्स की जगह पर 3 रख दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर 3 रख दो, 3 की जगह 3, देखो 3 तिया 9 तिया 27, 9 छक 54, 27 प्लस 15 27, और 27 54 में 54 घटा क्या बचा 15, तो हमारा जो निम्नतम मान होगा वो 15 होगा, और जो उच्चतम मान होगा कितना होगा 19 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हो गया, सारे प्रश्न एक जैसे हैं यार, कुछ अलग नहीं है। जी एक्स पे आ जाओ, एक्स का मान जो लेना वो 0 से बड़ा लेना है, ये मेंशन किया गया है। अगर 0 लोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, परिभाषित नहीं होगा। दिया है जी एक्स, क्या दे रखा है एक्स बट्टे 2 प्लस 2 के बट्टे में एक्स, ठीक है ये दे रखा है जी एक्स। हमें क्या करना होता है एक बार अब क्लच, तो एक्स बट्टे 2 का क्लच 1/2, और ये आ जाएगा माइनस के 2 बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक, दोबारा सब क्लच करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, 2 दुनी 4 बट्टे में एक्स की पावर 1 बढ़ जाता है। ठीक है, हो गया अब क्लच। अब हम यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है कि एक बार अब क्लच वाले को 0 मानते हैं, नेगेटिव के उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, त्रिज्या करेंगे एक्स स्क्वायर 2 दुनी 4, तो जो एक्स का मान मिलेगा 1 प्लस का 2 मिलेगा 1 माइनस का 2 मिलेगा, ये हमें 2 क्रांतिक बिंदु मिल गए। ठीक है, अब एक्स बराबर 2 पर देखो, इधर एक्स बराबर माइनस 2 पर देखेंगे। ठीक, तो क्या करना है हमें, जी डबल डैश एक्स की जगह पे 2 रखो, यहाँ माइनस का 4 एक्स की जगह पे 2 रख दिया, तो कुल मिला के माइनस के 1/2, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ऋणात्मक। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक्स बराबर 2 हमारा निम्नतम बिंदु, सॉरी उच्चतम बिंदु, नेगेटिव आया ना, सॉरी 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 उच्चतम बिंदु। ठीक है, ये उच्चतम बिंदु है, इसलिए उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान क्या होगा जी एक्स में रख देना होता है। जी एक्स हमारे पास है एक्स के बट्टे में 2, 2 के बट्टे में एक्स। ठीक, तो एक्स के जगह पे क्या रख दो, तो 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। ठीक, तो हमें हमारा जो उच्चतम मान मिलेगा वो 2 मिलेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्स बराबर माइनस 2 पर, तो हमें जी डबल डैश एक्स की जगह पे माइनस के 2 रखना है, ठीक है माइनस से माइनस करना, 4 एकम 4, 4 दुनी 8 पॉजिटिव आ गया, धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या होता है ना, निम्नतम बिंदु। तो एक्स बराबर ये जो माइनस के 2 है ये हमारा निम्नतम बिंदु है। ठीक है, निम्नतम बिंदु है, इसलिए निम्नतम मान क्या होगा, हमें क्या करना है फंक्शन में एक्स के जगह पर 2 रख देना है, माइनस के 2, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखना है माइनस के 2, माइनस के 2/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 1 आंसर आ जाएगा माइनस के 2, ये हमारा निम्नतम मान होगा। उच्चतम मान 2 होगा, निम्नतम मान माइनस के 2 होगा। ठीक हो गया, अगले प्रश्न पे आ जाओ, सारे एक जैसे हैं भाई, ये भी और ये भी। जी एक्स पे आ जाओ, इसको करते हैं
जी एक्स हमारे पास दे रखा है एक के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसको अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूं, अब क्लोज करना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जी एक्स को। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, एक बार अब क्लोज, सामने आ जाएगा पावर और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है, और फिर जो अंदर होता है उसका अपक्लच, एक्स स्क्वायर का अपक्लच क्या हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के टू एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस टू की घात दो पॉजिटिव में। ये हमारा जी डैश एक्स आ गया। अब मैं दोबारा से अपक्लच कर लेता हूँ, अंश बट्टे हर नियम लगाएंगे। तो देखो क्या होता है, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अपक्लच, दो एक्स का अपक्लच क्या आ जाएगा, माइनस के दो। ठीक है, माइनस अंश वैसे का वैसे माइनस का दो, माइनस तो लगेगा माइनस दो एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू हर का अपक्लच। हर क्या है हमारे पास, ये चीज़ें पावर सॉल्व होगी पहले और एक घात कम होगी और फिर अंदर वाले का अपक्लच हो जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस टू एक्स। बट्टे में क्या होगा, हर का वर्ग, दो दो है तो घात में कितनी हो जाएगी, चार। अब क्लच करना आपको आना चाहिए, है ना। अब यहाँ से देखो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टू एक्स स्क्वायर दो दुनी चार, और देखो ये दो दुनी चार दुनी आठ, आठ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज है, सही किया ना कैलकुलेशन। ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको समीकरण नंबर तीन बोल देते हैं, ये दो है और ये हमारा एक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है कि जो एक बार आप क्लच किया उसको जीरो के बराबर रखो। एक बार आप क्लच किया क्या है, माइनस के टू एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस दो की घात ये जीरो के बराबर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, त्रिज्या गुणा करेंगे इसके गुणा इसके साथ जीरो, तो माइनस टू एक्स एक का माइनस टू एक्स और ये हो गया जीरो, माइनस दो गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा तो एक्स का मान जीरो आ जाएगा, एक ही बिंदु आया है। अब ये निम्नतम है या उच्चतम ये हमें नहीं मालूम, अब ये हम मालूम होगा जब हम यहाँ पर रखेंगे। एक्स का मान जीरो पर, जी डबल डैश एक्स जीरो पर, देखो आप यहाँ पर हमें मान रखना है, यहाँ जब हम रखेंगे जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है उसको वो जीरो बना देगा गुणा। ठीक है ना, तो यहाँ जीरो रखेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के चार और नीचे बचेगा ये जीरो, दो की घात कुछ भी हो दो की घात चार। ठीक है, ये बचेगा, कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वही तो हमें चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि एक्स बराबर जीरो, हमारा क्या होगा, उच्चतम बिंदु, क्योंकि डबल डेरिवेटिव उस बिंदु पे क्या आया, नेगेटिव आया है, यानी कि नेगेटिव आया यानी कि ये उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है इसलिए उच्चतम मान निकालेंगे हम। उच्चतम मान जी जीरो, फंक्शन पे रखना है, एक्स के जगह पे क्या रखना है, यहाँ पर जीरो रख देना है, तो ये हो जाएगा एक बट्टे दो। आंसर क्या होगा, एक बट्टे दो होगा, आ गया। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में, ये प्रश्नावली ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आज के वीडियो में हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर वन से लेकर तीन तक करते हैं, ये लास्ट पार्ट है, चौथे नंबर से हम बाकी अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, बाकी मैंने पूरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, इसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पर। देख रहे हो कितने प्रश्न हैं, 29 प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न बड़े बड़े हैं, लेंथी लेंथी प्रश्न हैं, और यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा, दो, एक नहीं दो आएगा इसी एक्सरसाइज से। अगले वाले में आ जाओ, ठीक है, इसको हमें तरीका तो वही है, कुछ अलग तरीका है नहीं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आठवें नंबर में
ठीक है, जो हमारा एफ एक्स है वो हमारे पास एक्स अंडर रूट के अंदर है, वन माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब क्लच करना है एक बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लग जाएगा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, घात में से कम हो जाएगा और इसका एक्स का चिन्ह क्या है माइनस, वो सामने लगा देते हैं, प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलज एक्स का अवकलज एक। तो कुल मिला के ये आ जाएगा, ये प्लस का है अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये माइनस का है एक्स, आधा आएगा नीचे आके प्लस का आधा हो जाएगा, ठीक बट्टे दो प्लस का आधा नीचे ऐसे लिखेंगे, लॉस ऑफ पल हो गए। इसकी गुणा इसके साथ दो बार गुणा पे अंडर रूट हट जाते हैं और यहाँ से एक्स, तो कुल मिला के आ जाएगा वन माइनस के टू एक्स बट्टे में अंडर रूट के वन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये टू भी तो है, गड़बड़ हो गया कुछ, कुछ तो गड़बड़ है। देखो इसके बट्टे में टू भी तो था, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो गया। देखो ये इसके गुणा इसके साथ यहाँ टू भी रहेगा, यहाँ टू आएगा। ठीक, तो दो एक कम दो, दो एक्स और ये एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा दो माइनस के तीन एक्स। अब सही है, समीकरण नंबर दो। ठीक, अब क्या है, दोबारा हमें अपक्लच करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा अपक्लच करोगे तो लंबा जाएगा, दोबारा से अपक्लच करते हैं। हर वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अपक्लच, तीन एक्स का तीन आ जाएगा। ठीक, माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, ठीक है हर दो, और ये हो जाएगा अंडर रूट का मतलब एक बट्टे दो होता है ना, घात में घात सामने आ जाएगी और एक घात क्या होगी कम हो जाएगी, और एक्स का जो गुणज है वो माइनस, यहाँ इसको प्लस बना देगा, बट्टे में क्या होता है हर का स्क्वायर। ठीक है, सो ऊपर क्या आ गया, माइनस के तीन दुनी छः और अंडर रूट के अंदर है वन माइनस एक्स, ये प्लस। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा दो माइनस के तीन एक्स और ये आधा, ठीक है ये आधा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आधा हो जाएगा नीचे आके, और टोटल के बट्टे में क्या है दो का वर्ग चार, और इसका जब वर्क करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ पल ले लो, इसके गुणा इसके साथ अंडर रूट हट जाएगा, और ये वन माइनस एक्स, इसकी पावर एक इसकी पावर आधा, टोटल की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो छः कम छः और ये प्लस का दो, ये आ जाएगा माइनस के चार, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, छः एक्स में से तीन एक्स घटा दोगे तो ये तीन एक्स आ जाएगा, नीचे क्या है चार वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये अवकलज हो गया। अब आ जाओ क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, जो हमने एक बार अवकलज किया उसको जीरो के बराबर रखते हैं, इसको हमें जीरो के बराबर रखना होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक तिरछी गुणा करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इसके गुणा इसके एक से करेंगे तो यही रहेगा। तो ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा दो बट्टे तीन, ठीक एक्स का मान कितना आ जाएगा दो बट्टे तीन, अब एक्स का मान दो बट्टे तीन हमें यहाँ रखना है इधर,
तो पता लगेगा ना ये उच्चतम बिंदु है निम्नतम। x बराबर 2/3 पर f डबल डेरिवेटिव यहाँ पर रखना है, माइनस के 4/3 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 रख लूँ। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 4 और यहाँ से 2, तो ऊपर आके नेगेटिव, ठीक, और नीचे क्या पॉजिटिव, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1/3 की पावर 3/2, ये नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया नेगेटिव ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है उच्चतम बिंदु, यानी कि x बराबर 2/3 हमारा कैसा बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, इसलिए उच्चतम मान निकालेंगे। ठीक है, उच्चतम मान क्या होगा वो यहां रखने से मिलेगा फंक्शन में, x के जगह पे 2/3, दो एक तीन एक कम 3 माइनस 2/3, तो 2/3 अंडर रूट के अंदर 1/3, तो आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 3√3। ठीक है, अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ दे तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा 2√3, √3 √3, 3 दिया 9, आप अपना आंसर NCERT से मैच कर सकते हो, यही होगा। बाकी जो प्रश्न है वो मैंने ऑलरेडी करा रखे, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें।